हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं जस्सी गिल की एल्बम ऑलराउंडर के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलराउंडर के दो ट्रैक रिलीज़ किए जा चुके हैं, सुरमा और जिंदे मेरी, जो कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है और काफ़ी अच्छा सॉन्ग जा रहा है, जिसके 8 मिलियन व्यूज़ ग्रॉस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगली न्यूज़ की, कि अगली न्यूज़ क्या है ऑलराउंडर के बारे में और अगले गाने कौन से रिलीज़ हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जस्सी गिल ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर थोड़े दिन पहले ही शेयर करते हुए ये बता दिया है कि अब सारे गाने एक साथ रिलीज़ किए जाएंगे। जी हाँ, ये पोस्ट आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा था टाइम टू रिलीज़ फुल एल्बम नाउ, मतलब कि अब सारे के सारे गाने रिलीज़ किए जाएंगे। हो सकता है कि वीडियो फिर धीरे धीरे करके उनकी रिलीज़ किए जाए, लेकिन ऑडियो जो है एक ही बार में रिलीज़ किए जाएंगे जस्सी गिल के ऑफिशियल चैनल और स्पॉटिफाई पर। तो हम अब बात करते हैं कि वो कौन से गाने हो सकते हैं जो कि रिलीज़ किए जाने वाले हैं। तो मैं एल्बम की शुरुआत से वो तीन गानों की बात करता हूँ, वो तो है ही सिफ्त करा, नजरा और व्या, और एक गाना होने वाला है सैलरी, जो कि जस्सी गिल ने कुछ दिनों पहले ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अनाउंसमेंट की है। सैलरी जो कि मैंने उसकी स्टोरी जो है अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर ज़रूर सुनिएगा। तो एक और गाने की हम बात करते हैं, तो वो जस्सी गिल ने ऑलराउंडर एल्बम की अनाउंसमेंट से पहले ही हमें यूट्यूब पर एक पोस्ट के ऊपर एक लाइन लिखकर शेयर किया था, जो लिखा था कि तेरे नखरे अग्गे छोटा लगे मैनू बुर्ज खलीफा ने। तो हो सकता है एक गाना आने वाला बुर्ज खलीफा हो, जिसकी पोस्ट अभी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस एल्बम के लिए कितने एक्साइटेड है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए थैंक यू सो मच।